एक बार एक व्यक्ति महात्मा बुद्ध के पास आया और उस व्यक्ति ने महात्मा बुद्ध से कहा कि हे महात्मा बुद्ध, आप मुझे ऐसी शिक्षा दो कि मुझे आपके दिए हुए ज्ञान को समझने में आसानी हो सके, मैं आपके दिए हुए ज्ञान को आसानी से समझ सकूं। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से कहा कि क्या तुम्हारे कोई बेटा है? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मेरे एक बेटा है। फिर से महात्मा बुद्ध ने उसे पूछा, क्या तुम्हारे भाई के भी कोई बेटा है? तब उस व्यक्ति ने फिर से कहा, हाँ मेरे भाई के भी एक बेटा है। फिर से महात्मा बुद्ध ने पूछा कि क्या तुम्हारे पड़ोसी के भी कोई बेटा है? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ मेरे पड़ोसी के भी एक बेटा है। महात्मा बुद्ध ने फिर पूछा, क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे तुम जानते हो पर वो तुम्हें नहीं जानता, क्या उसके भी कोई बेटा है? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ उसके भी एक बेटा है। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा, अच्छा चलो बताओ, अगर तुम्हारे बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? व्यक्ति ने कहा, महात्मा जी आपको तो मैं बता ही नहीं सकता कि मुझे कितना दुख होगा, मैं क्या करूँगा उसके बिना, मेरी तो सारी दुनिया ही खत्म हो जाएगी, उसके बिना तो मैं खुद मर जाऊंगा, मैं अपने बेटे के बिना तो अपना जीवन सोच ही नहीं सकता। बुद्ध ने फिर पूछा, अगर तुम्हारे भाई के बेटे की मृत्यु हो जाए तो तुम्हें कितना दुख होगा? तब उस व्यक्ति ने कहा, मुझे बहुत दुख होगा, लेकिन उतना दुख नहीं होगा जितना अपने बेटे की मृत्यु पर होगा। फिर महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अगर तुम्हारे पड़ोसी के बेटे की मृत्यु हो जाए तब तुम्हें कितना दुख होगा? व्यक्ति ने कहा कि मुझे तब भी दुख होगा, लेकिन उतना दुख नहीं होगा जितना अपने भाई के बेटे की मृत्यु पर होगा। भगवान बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा, अगर किसी अनजान व्यक्ति के बेटे की मृत्यु हो जाए जिसे तुम जानते तक नहीं, तब तुम्हें कितना दुख होगा? तब उस व्यक्ति ने कहा कि तब शायद मुझे बिल्कुल भी दुख नहीं होगा, क्योंकि मैं तो उस व्यक्ति को जानता भी नहीं। तब महात्मा बुद्ध ने उस व्यक्ति से पूछा, अच्छा अब ये बताओ कि हमारा दुख किस बात पर निर्भर करता है? तब उस व्यक्ति ने बहुत देर सोचने के बाद कहा कि हमारा दुख इस बात पर निर्भर करता है कि हम किस चीज़ से कितने जुड़े हुए हैं, हमारा उससे कितना लगाव है और हम उसे कितनी हद तक अपना मानते हैं, इस बात पर निर्भर करता है। महात्मा बुद्ध ने कहा, बहुत अच्छा। महात्मा बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा कि तुम अपने बेटे को समुद्र के पास लेकर जाओगे तो क्या वो रेत में नहीं खेलेगा? तब उस व्यक्ति ने कहा, हाँ महात्मा जी वो रेत में ज़रूर खेलेगा। महात्मा बुद्ध ने फिर उस व्यक्ति से पूछा, अगर समुद्र की लहरों ने तुम्हारे बेटे के बनाए हुए रेत के घर को तोड़ दिया तो क्या वो रोएगा? तब उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ महात्मा जी वो रोएगा। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा, तुम भी उसके साथ रोओगे? तब उस व्यक्ति ने कहा, नहीं मैं नहीं रोऊंगा। फिर महात्मा बुद्ध ने पूछा, क्यों? तब उस व्यक्ति ने कहा कि वो तो बच्चा है, उसे लगता है कि ये रेत का घर बहुत सुंदर है और ये हमेशा बना रहे, उसका उस घर के साथ जुड़ाव हो जाता है, लगाव हो जाता है, उसकी भावनाएं उस रेत के घर में जुड़ जाती है, जबकि मैं जानता हूँ कि वो एक रेत का घर है और हमेशा बना हुआ नहीं रहेगा, कुछ समय के बाद उसे लहरों से टूटना ही होगा और जब वो लहरों से टूटेगा तो मुझे दुख नहीं होगा। महात्मा बुद्ध मुस्कुराए और बोले कि अब तुम्हें समझ आ गया, अगर तुम इस संसार की सच्चाई को जानने की कोशिश नहीं करते हो तो तुम भी ऐसे ही चलते जाओगे, तब तुम्हें भी रेत के घर के टूटने का दुख होगा और तब तुम में और उस रोने वाले बच्चे में कोई फर्क नहीं रहेगा। इससे भगवान बुद्ध हमें ये बताना चाहते हैं कि दोस्तों हमें लगाव कम से कम रखना चाहिए, यानी किसी को भी खुद से ज़्यादा मत जोड़ो, क्योंकि इस दुनिया में कोई भी ऐसी चीज़ हमेशा के लिए नहीं होती, क्योंकि इस दुनिया की हर एक चीज़, हर एक इंसान नश्वर है। हम इन चीज़ों से जब जुड़ जाते हैं और तब वो बाद में हमें छोड़कर चली जाती हैं, तब हमें बेहद दुख होता है। यही वो रहस्य है जो भगवान बुद्ध जान गए थे। शांति पाने का एक ही रहस्य है, लगाव का ना होना, क्योंकि इस दुनिया में सब कुछ भ्रम है। आप इस भ्रम को खुद के लिए क्यों चुनते हो ये आप पर निर्भर करता है। जितना ज़्यादा आप ज्ञान अर्जित करोगे उतना ही आप अपनी बुद्धि और विवेक से समझ पाओगे और अपनी ज़िंदगी को जैसा आप देखोगे वैसे ये बन जाएगी। ये कहानी है दो बौद्ध भिक्षुओं की, जिसमें से एक बूढ़ा था और एक जवान था। दोनों शाम को गांव में भिक्षा मांगकर लौट रहे थे। आश्रम से कुछ दूर पर पहाड़ से एक नदी बहती थी। वहीं उस नदी के पास एक जवान स्त्री खड़ी थी और उस स्त्री को नदी पार करनी थी, लेकिन वो स्त्री उस नदी को पार करने से डर रही थी क्योंकि वो स्त्री नदी की गहराई से अनजान थी। तभी वहाँ से दो भिक्षु गुजर रहे थे। बूढ़ा भिक्षु आगे चल रहा था, तभी उसकी नज़र उस स्त्री पर पड़ी। वो स्त्री को देखकर समझ गया कि स्त्री को मदद चाहिए। फिर उसने सोचा कि वो स्त्री को नदी पार करा दे। जैसे ही उस बूढ़े भिक्षु ने स्त्री के हाथ को छुआ तो उसके अंदर वर्षा की बसी वासना जाग गई। स्त्री को छूते ही उसका कणकण कांपने लगा। उस भिक्षु ने 30 साल से किसी स्त्री को छुआ तक नहीं था। उस स्त्री को छूने के नाम से ही उसके मन में कई तरह के ख्याल आ गए और वासना आ गई
रही थी। तब उस बूढ़े भिक्षु ने सोचा कि छी छी छी, ये कैसी गंदी सोच ले ली मैंने। मैंने जो इतने साल से साधना की वो भंग हो जाएगी। मुझे क्या मतलब कोई नदी पार करे या ना करे, मैं अपनी 30 वर्षों की साधना इस लड़की पर क्यों लगाऊं? बिल्कुल नहीं। ये सब सोचकर उसने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन वो जवान स्त्री तो उसे आंखें बंद करने के बाद भी दिखाई दे रही थी। वो उसकी तरफ आकर्षित हो चुका था और फिर वो आंख बंद करके उस नदी से उतर गया, क्योंकि बूढ़े भिक्षु की सोई हुई वासना जाग गई थी। आपको पता है, जिस चीज से आंख बंद कर ली जाती है तो वो हमें और दिखने लगती है। उसी तरह उस बौद्ध भिक्षु के साथ भी हुआ। उसे वो स्त्री अप्सरा की भांति दिखने लगी, क्योंकि उसने आंखें बंद कर ली थी। उसे उस स्त्री का ही सपना आ रहा था। वो स्त्री उसको अपनी ओर आकर्षित कर रखी थी। उसका एक मन तो कहता कि उसे जरूरतमंद की सहायता करनी चाहिए, वही उसका दूसरा मन कहता कि ये बस मन का भ्रम है, तुम खुद को धोखा दे रहे हो, तुम उसे छूना चाहते हो जो कि गलत है। हम साधु का जीवन अलग होता है। साधुओं के लिए तो स्त्रियां केवल एक समस्या है। नदी के घाट पर उस साधु का मन अशांत रहता है और उसका मन दो भागों में बट जाता है। एक तरफ उसका मन उसे एक लड़की की तरफ आकर्षित करता है और दूसरा मन उसे दूर ले जाने की सलाह देता है। उस लड़की को जो कि वहां खड़ी थी, उसे कुछ भी पता नहीं होता है कि उस साधु के मन में क्या चल रहा है और क्या नहीं। वो तो मदद के लिए किसी का इंतजार कर रही है ताकि कोई उसे नदी पार करा दे। बूढ़ा भिक्षु आगे निकल जाता है। तभी उसे ख्याल आता है कि उसका साथी पीछे छूट गया, कहीं वो उस स्त्री को नदी पार कराने की भूल ना कर दे। वो तुरंत ही वापस जाता है, ये सोच के कि मैं उसे पहले ही सचेत कर दूं। लेकिन जब वो वहां पहुंचता है तब तक बहुत देर हो चुकी थी। वो देखता है कि वो जवान भिक्षु उस स्त्री को कंधे पर बिठा कर नदी पार करा रहा था। ये सब देख कर बूढ़ा भिक्षु पूरी तरह जल जाता है। उसके मन में अलग अलग भावनाएं आने लगती है। वो सोचता है कि इससे अच्छा तो मैं ही इसे नदी पार करा देता। लेकिन वहीं उसे दूसरी ओर ख्याल आता है कि ये कैसा पागलपन वाली बात है, मैं उस औरत को अपने कंधे पर क्यों लूं, अपनी 30 साल की साधना को नष्ट क्यों करूं, मैं ऐसा नहीं करूंगा। औरत का शरीर तो गंदगी का ढेर है, मैं उसे अपने कंधे पर क्यों लूं। लेकिन वहीं दूसरी तरफ वो जवान भिक्षु को स्त्री को कंधे पर उठाए देख आग बबूला हो रहा था। वो मन ही मन सोच रहा था कि आज आश्रम जाते ही मैं गुरुजी से कहूंगा कि इसने एक स्त्री को अपने कंधों पर उठाया था, ये युवा सन्यासी पूरी तरह भ्रष्ट हो गया है, इसे आश्रम से बाहर निकालो। तभी वह युवा भिक्षु उस स्त्री को नदी के दूसरे छोर पर उतार देता है और दोनों भिक्षु वापस जाने लगते हैं। वो दोनों पूरे रास्ते बात नहीं करते। जब दोनों भिक्षु आश्रम के पास पहुंच जाते हैं तब बूढ़ा भिक्षु कहता है कि याद रखना, मैं गुरुजी से कहूंगा कि तुम अपवित्र हो चुके हो, तुमने उस जवान स्त्री को कंधे पर उठाया था। तुमने उस जवान स्त्री को कंधे पर क्यों उठाया? ये सुनकर युवा भिक्षु चौंक जाता है और कहता है कि स्त्री, उसे तो मैंने नदी के किनारे उठाया था और वहीं छोड़ भी दिया, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आप अभी भी उसे ढो रहे हो, जबकि आपने तो उसे उठाया भी नहीं था। फिर आप उसके बारे में क्यों सोच रहे हो? आपके दिमाग में वही है। मैं बहुत देर से देख रहा हूँ कि आप किसी ध्यान में खोए हुए थे, लेकिन आप तो उस औरत को नदी पार करा रहे थे अपने मन ही मन में। अतः दोस्तों, इसी तरह हम हमारे जीवन में हम उन्हीं पुरानी बातों और चीज़ों को लेकर डोते रहते हैं जो गलतियाँ हम करते हैं, जिनको लेकर हमारे अंदर लड़ाई चल रही होती है और हमें मालूम भी नहीं होता कि हम पुरानी मानसिक सोच को लेकर चल रहे हैं। हम ये देख नहीं पाते कि हमारे साथ क्या चल रहा है। अगर आपको आगे बढ़ना है और ऊपर उठना है तो अपने आप को जितना हल्का कर सकते हो कर लेना। हम अपने आप को दबा रहे हैं और यही दबा हुआ घाव पीड़ा देता है। उस घाव के कारण हमें वो चीज़ें दिखाई देने लगती है जिनकी लड़ाई हमारे भीतर चल रही होती है। सारा संसार दर्पण बन जाता है। ये दमन की लंबी धारा में ये दबाव हमारे व्यक्तित्व को तहस नहस कर देता है। इसने जीवन के सारे सुतों को जहर की तरह भर दिया है। इसलिए हम आपसे कहना चाहते हैं कि आप खुद को इन दबावों से बचाओ, क्योंकि दमन से भरा हुआ इंसान खुद को कभी जान ही नहीं पाता है और वहीं रुक जाता है, थक जाता है और बैठ जाता है और आपको आगे नहीं बढ़ने देता, आपको वहीं रोकता है। इसलिए खुद की भावनाओं को और विचारों को दबाने से बचना चाहिए, क्योंकि इनको दबाने पर एक समय ऐसा आता है जब ये भावनाएं बवंडर बन जाती है जो आपके अंदर अशांति और हीन भावना को उत्पन्न करती है। इसीलिए आप वर्तमान में कुछ रहना चाहते हो तो अपने आज में कुछ रहो, पुरानी बातों को भूल जाए। दूसरों के सामने अच्छा बनने के लिए खुद को दबाओ मत। आप जैसे हो वैसे ही बनकर रहो, क्योंकि आप जैसे हो वैसे ही अच्छे हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सब्सक्राइब नाउ पावर डोज ऑफ लाइफ।